माय नेम इज उमेश जी सिलावर प्रोजेक्ट अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम यूजिंग आर्डिनो एंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्जन 3। हियर वी रिप्रेजेंट आवर अल्ट्रासोनिक रडार सिस्टम प्रोजेक्ट यूजिंग आर्डिनो एंड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर 3। रडार सिस्टम स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन और डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट रडार से कितने फासले पर है। रडार सिस्टम कंसिस्ट होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर पर। ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को हवा में प्रोड्यूस करता है और जब वो सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करता है और बाउंस बैक होता है तो रिसीवर उसको कैच करता है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है और कितने डिस्टेंस पर वो पड़ा हुआ है। शुरू में रडार सिस्टम सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन अब इसकी और भी बहुत सी एप्लीकेशन है। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है आर्डिनो यूएनओ। आर्डिनो यूएनओ एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसपे ATmega 308 का प्रोसेसर लगा होता है। आप प्रोसेसर को उसका हार्ट भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी कोड को प्रोसेस करने के लिए यही यूज होता है। इसकी हमारे पास 14 डिजिटल इनपुट पिंस होती हैं और 6 एनालॉग इनपुट पिंस होती हैं और उसके साथ है USB कनेक्शन, पावर जैक्शन और एक प्रोसेसर और रीसेट बटन। USB कनेक्शन को आप कोड को इंस्टॉल करने के लिए किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। पावर जैक्शन को आप DC पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं और रीसेट बटन के जरिए आप उसको रीसेट कर सकते हैं और कोई भी कोड दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर करता है। इसके एक एंड पे ट्रांजिस्टर और दूसरे पे रिसीवर लगा होता है। इसकी कैपेसिटी यह है कि 14 किलोहर्ट्ज़ की रेडियो वेव्स को इमर्स कर सकता है और कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी रेंज में आता है तो वो वेव्स उसकी उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक होती है जो कि दूसरे एंड पे रिसीवर उसको कैच कर रहा होता है। और अगर आप डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो आप स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितने टाइम में वो वेव्स उस ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक किए हैं तो उसको 2 पे डिवाइड करने के साथ आप उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है। अल्ट्रासोनिक सेंसर के बाद हमारे पास आती है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर सिंपली एक DC मोटर होती है जिसमें हम क्लोज लूप मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए उसकी रोटेशन को स्पेसिफिक कर देते हैं। जितनी रोटेशन हमें चाहिए होती है उस हिसाब से हम उसे रोटेट करवा सकते हैं। हमने जो सर्वो मोटर इस्तेमाल की उसकी रोटेशन है 180 डिग्री तक। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रोसेसिंग आईडी सॉफ्टवेयर जो कि एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर पैकेज बुक है जो कि हमें बताता है कि कैसे कोड को आप विजुअलाइज आर्ट्स में शो करवा सकते हो। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमने इसको रडार सिस्टम इसलिए यूज़ किया है कि आप अल्ट्रा सेंसर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा वो आपको ये फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर दे रहा है। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के एक एंड पे ट्रांसमीटर है जो कि रेडियो वेव्स को इमिट कर रहा है और जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसकी रेंज में आता है तो वो उससे स्ट्राइक बैक होने के बाद रिसीवर पे आप देख सकते हो कि वो रिसीवर उसको कैच कर रहा है और उसको इनपुट दे रहा है आर्डिनो को। आर्डिनो उसको आगे कन्वर्ट कर रहा है प्रोसेसिंग आईडी सॉफ्टवेयर में। प्रोसेसिंग आईडी सॉफ्टवेयर आपको विजुलाइज करवा रहा है, अल्ट्रासोनिक से आने वाले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डाटा दे रहा है आपको। अल्ट्रासोनिक से जो भी आपको इनपुट मिल रही है वो आप इस पे आईडी पे देख सकते हो कि कैसे वो आपको दे रहा है कि कितने एंगल पे एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है और कितना उसका डिस्टेंस है अल्ट्रासोनिक सेंसर से। अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन में सबसे पहले नंबर पे यूज़ होता है मिलिट्री में डिफेंस सिस्टम के लिए। उसके बाद यूज़ हो रहा है लॉ एनफोर्समेंट में, स्पेस नेविगेशन में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, रिमोट सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, शिप नेविगेशन के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिविल एविएशन इसको यूज़ कर रही है।